शारदीय नवरात्र की पर्व के दौरान आज उमरिया के पाली नगर में विराजी आदिशक्ति जगत जननी माता विरासनी के दरबार में अष्टमी मनाई गई। इस दौरान लोगों ने माता रानी को आटे व गुड़ से बनाए गए रोट का भोग प्रसाद अर्पित किया। अष्टमी पर्व को माता रानी का श्रृंगार सोने के आभूषण से किया गया, साथ ही विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। गौरतलब है कि नवरात्र पर्व के दौरान प्रतिवर्ष यहां हजारों मनोकामना कलश स्थापित भक्तों द्वारा किए जाते थे, लेकिन कोरोना बीमारी के कारण प्रशासन ने इस बार कलश स्थापना में रोक लगाई थी, जिससे आजीवन ज्योति कलश ही स्थापित कराए गए हैं, जिनका विसर्जन कल मंदिर प्रबंधन समिति के द्वारा स्थानीय सगरा तालाब में विसर्जित किया जाएगा। हम आपको बता दें कि कोविड-19 के कारण प्रशासन ने इस बार मंदिर में दर्शन से लेकर अन्य व्यवस्थाओं में व्यापक बदलाव किए हैं। आज माता रानी का अष्टमी मनाई जा रही है, जिसमें जो भक्तगण हैं आज माता रानी को रोट अठमाइन चढ़ाते थे पहले भी, वह भी लेके आ रहे हैं, जिनके कोरोना के चलते अठमाइन को माता रानी के दरबार पर रेलिंग पर छुला कर अपने से ले जाते हैं, और पूरी व्यवस्था यहाँ पर कायम है। और शाम को दोपहर को माता रानी का सोने का श्रृंगार होगा। श्रृंगार होने के पश्चात रात को माता रानी की पूजा महाआरती होगी और बलि पूजा होगी। बलि पूजा होने के बाद पश्चात वगैरह आरती होगी। आरती होने के बाद भक्तों को दर्शन करने के लिए दरवाजे खोल दिए जाएंगे। कोरोना के कारण कहीं ना कहीं यहाँ असर देखा जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? यानी बताते हैं कि यहाँ प्रसाद कब नहीं चल रहा, कोरोना के चलते यहाँ पे प्रसाद कब है? कोरोना के चलते यहाँ करो लोगों को तो भय है ही है, इसलिए जो भी भक्त यहाँ पे आते हैं माता रानी के दरबार में तो थोड़ा दूरी बनाए रहते हैं, और आठमाइन रोड जो लेके आते हैं तो स्वयं अपने हाथ से ऐसे छुपा करके ले जाते हैं। आज यहाँ पर शारदीय नवरात्र की अष्टमी मनाई जा रही है। आज माता विरासनी महागौरी के रूप में दर्शन दे रही हैं। यहाँ पर जो भी व्यवस्थाएँ हैं शासन के द्वारा जो गाइडलाइन दी गई हैं उनके अनुसार पूरी व्यवस्थाएँ चल रही हैं। एक बार में 10 लोगों को अंदर प्रवेश दिया जा रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा 50 लोग प्रांगण में ही रह सकते हैं, उसके अलावा ज़्यादा भीड़ नहीं हो रही है। और आज चूँकि अष्टमी है और अष्टमी को अठमाइन भी चढ़ाई जाती है, जो कि अठमाइन इस बार हम लोग जो यहाँ कार्यकर्ता है वो अपने हाथ से न ले करके भक्त लोग अपने हाथ से ही अठमाइन चढ़ा रहे हैं, और माता के वहाँ पर ले जा करके छुआ करके और सभी अपने घर को प्रसाद ले जा रहे हैं। इसके बाद आज शाम को अभी बलि पूजा होगी, शाम को महाआरती भी है, और कल माता जी की नवरात्र नवमी मनाई जाएगी, जिसमें नवमी की पूजा के बाद जवारे का विसर्जन किया जाएगा। जवारे इस बार बोए नहीं गए हैं, लेकिन जो संचालन समिति द्वारा आजीवन कलश हैं उनको बुवाए गए हैं, और मंदिर के प्रबंध समिति द्वारा कल उन्हीं आजीवन कलशों का विसर्जन बगल में जो सगरा तालाब है वहाँ पर किया जाएगा। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए वीर सिंह पुरपाली से दीपू त्रिपाठी की रिपोर्ट।